गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तमन्ना अली। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मशरूम रेसिपी। आप बताओ आपको मशरूम कैसे लगता है? मुझे तो अच्छे लगते हैं। सबसे पहले इनको जैसा आपका होना वैसा कट कर लो। मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैंने डाला कढ़ाई 1 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद डाल दिया इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, उसको हल्का सा सॉटे कर लिया। उसके बाद खड़े मसाले, तेज़पत्ता, इलायची और दालचीनी। उसके बाद डाल दो गार्लिक जो हमने बारीक बारीक कट कर रखा था। उसके बाद बारीक चॉप्ड डाल दो इसमें अनियंस। उसके बाद टमाटर डाल दो। इनको हल्का सा सॉटे कर लो और 1-2 मिनट के लिए पका लो। और थोड़ी सी चटनी होती है टमाटर की, वो बच गई थी, मैंने वो भी डाल दी। उसके बाद डाल दो उसमें मसाले, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। सभी मसाले मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाले हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लो और अच्छे से मसाले को भून लो मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पर 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लो। जब आपका ऑयल रिलीज हो जाए, आपका मसाला अच्छे से भुन चुका है और टमाटर को अच्छे से चमचे से पीस लो, प्योरी सी कर लो। उसके बाद डाल दो मशरूम। और अगर आप चाहो आप इसे ऐसे सूखी सब्जी की तरह खा सकते हो, पर मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो पानी डाल दो थोड़ा सा। मशरूम ना जितना देर आप इन्हें पकाओगे इतने छोटे होते चले जाएंगे। अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम बनाओगे आप सोचोगे इतनी देर हो गई, ये सॉफ्ट ही नहीं हो रहे। ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, थोड़े से ये क्रंची क्रंची से होते हैं, मतलब ज़्यादा पकते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको 10 से 15 मिनट तक रख दो। अगर आप 10 मिनट रखोगे तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देना और बीच बीच में खोल के देख लेना, क्योंकि मशरूम अलग अलग वैरायटी के होते हैं। और बीच बीच में इनको चलाते हुए रहना। और अगर आप चाहते कि बिल्कुल सूखे बने तो आप पानी थोड़ा कम रखना। मैंने यहाँ पर ज़्यादा पानी रखा क्योंकि मुझे थोड़े से ग्रेवी वाले चाहिए। अब ढककर पका लो इन्हें। गाइस, हमारे मशरूम बिल्कुल रेडी है। अब आप इन्हें एंजॉय कीजिए रोटी से, रुमाली रोटी से, पूरी से, चावल से, जिससे आपका मन करे उससे खा लो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।